हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। आप सब कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, मजे में होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यू ब्लॉग में। और सुबह के कामों से हमारे ब्लॉग की शुरुआत हो गई है, तो इधर हम आ गए अपनी कच्ची रसोई में। तो कर देते हैं चूल्हे की पुताई, और थोड़ी सी आज देरी भी हो गई है क्योंकि धूप भी आ चुकी है। तो इन दिनों में हमारी थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं है, तो इसी वजह से फिर थोड़े से लेट हो जाते हैं हमारे काम। तो बस अब चूल्हे की पुताई कर देते हैं, और घर के जो भी छोटे मोटे काम थे वो सारे काम हमारे हो चुके हैं, और उसके बाद में फिर बनाते हैं खाना। आज खाना भी हमको ढेर सारा बनाना है क्योंकि खेत में हो रहा है काम, मूंगफली की बुवाई हो रही है, तो वही जल्दी जल्दी से लगे हैं सभी लोग। तो खाना बन जाए उसके बाद में जल्दी का कोई काम नहीं रहेगा, क्योंकि हमारे यहाँ सबसे जल्दी का काम यही होता है कि सुबह के टाइम का खाना बन जाए। और जो भी खाने का ही सबसे ज़्यादा काम भी होता है, सुबह दोपहर में शाम को खाना बन जाए उसके बाद में, और बाकी के कोई काम नहीं होते हैं। जो भी छोटे मोटे होते हैं काम, वो तो पूरा दिन ही चलते रहते हैं। तो बस हम इधर चाय नाश्ता हमारा हो चुका है, उसके बाद में लग गए हैं बर्तन धुलने के लिए। तो जो भी चाय नाश्ते के बर्तन थे उनको भी जल्दी से धुल लेते हैं, और उसके बाद में खाने में लग जाते हैं। तो आलू हमारे उबल रहे हैं कच्ची रसोई में ही, तो तब तक हमारे आलू उबल रहे हैं, तब तक हमने कहा चलो बर्तन भी इनको धुल लेते हैं, नहीं तो फिर एक साथ में सारे बर्तन इकट्ठा हो जाते हैं, फिर काफ़ी टाइम भी लग जाता है धुलने में। और हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा दिक्कत क्या है कि पानी की बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, तो पानी भरना पड़ता है बाहर वाले नल से, या तो फिर बगिया को जाओ। तो बर्तन के लिए जो भी जैसे छोटे मोटे जो भी हमारे घर में काम है बर्तन धुलने के लिए, और भी बहुत सारे काम ऐसे हो जाते हैं कि पानी के बिना कोई भी काम नहीं हो पाता है, तो वो पानी हम बाहर वाले नल से ले आते हैं, तो उनसे हमारा काम चल जाता है। और वैसे तो कपड़े वपड़े धुलने के लिए हम बगिया को ही जाते हैं, तो वहीं पर हमारा काम हो पाता है। तो बस थोड़े से बर्तन थे बस धुल गए हैं, उसके बाद में लग जाते हैं खाना बनाने में। और इधर आटा भी हमने तैयार करके रख लिया है, आलू भी हमारे उबल चुके हैं, तो जब तक हमारे आलू ठंडे होंगे तब तक हम पूड़ी बनाना शुरू करेंगे। और आज रसोई में सभी लोग इकट्ठा हो गए हैं क्योंकि बुआ बोल रही थी कि जल्दी से ही खाना बनाओ, खेत पर लेकर जाना है, तो जल्दी से ही हम लोग बनाना शुरू करते हैं। और इधर आरोही तब तक आ गई थी, आरोही जिद कर रही थी कि मम्मा गोद में ले लो, तो हमने कहा चलो ले लेते हैं, लेकिन थोड़ी देर के लिए ये जिद जरूर करती है कि थोड़ी देर के लिए गोद में ज़रूर ही इसको लेना पड़ता है। और पूड़ी बनाना हमने शुरू कर दिया है, तो थोड़ी सी पूड़ी हमारी बन भी चुकी है, और थोड़ी सी और बना देते हैं, उसके बाद में कौर देते हैं आलू। तो पहले हम खेत के लिए खाना बना देते हैं, उसके बाद में जो भी बाकी रह जाएगा वो बाद में बनाएंगे। और इधर हमारा कचौड़ियों के लिए भरता भी बनकर तैयार हो गया है, तो बस अब आलू कौर देते हैं और अब बुआ लेकर जाएंगी खेत को खाना। तो खेत के लिए खाना हमने बनाकर तैयार कर दिया है, बुआ इधर रख रही है खेत के लिए कितना खाना ले जाना है कितना नहीं। तो 5-6 लोगों के लिए खेत पर खाना ले जाना है, तो सभी लोगों के लिए खाना बुआ ने बांध लिया है। और एक बड़े बर्तन में पूड़ी रख ली है, ऊपर से आलू रख लिए हैं, और साथ में पत्तल और गिलास भी रख लिए हैं, क्योंकि कम ना पड़े खाना, ज़्यादा पड़ जाए कोई बात नहीं, वो घर पर फिर से वापस आ जाएगा। तो इसी कपड़े से बुआ बांध लेंगी, बस लेकर जाएंगी। और पानी थोड़ा सा पापा भी लेकर गए हैं, थोड़ा सा बुआ भी लेकर जाएंगी। तो खेत के लिए खाना हमारा बन चुका है, अब बना लेते हैं थोड़ा सा खाना घर के लिए। तो बस थोड़ी सी बनाएंगे पूड़ियाँ और बना लेंगे कचौड़ियाँ। तो इधर हमने कढ़ाई भी चढ़ा दी है और बस बनाने में लग गए हैं। तो इधर दीदी हमारी पूड़ी बेल रही है और हम निकाल रहे हैं। तो यहाँ पर सभी लोग बैठे हैं, तो कोई तो आलू का भरता बना रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो सभी लोग अपने अपने कामों में ही लगे हुए हैं। और इन दिनों में हमारा बिल्कुल भी मन नहीं लगता है ये सब काम करने में, लेकिन काम तो करने ही हैं, तो बस लगे रहते हैं। तो सुबह से हमारी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी, तो हमने दवाई ले ली थी, उसके बाद में बस काम करने में लग गए थे। तो थोड़ी सी पूड़ी हमारी बन चुकी है, थोड़ी सी ही बाकी रह गई हैं, और उसके बाद में बना लेते हैं कचौड़ियाँ। और आलू तो हमने पहले ही सारे आलू कौर लिए थे, तो सब्जी नहीं बनानी है, बस पूड़ी कचौड़ी ही बना लेते हैं। और गर्मियों के दिन हैं तो पूड़ी कचौड़ी अच्छी तो नहीं लगती हैं, क्योंकि चिकनाई ज़्यादा खाने से दिक्कत भी होने लगती है, लेकिन फिर भी जो खेत पर काम होता है तो रोटी भी ले जाते हुए नहीं बनता है, तो बुआ ने कहा चलो पूड़ी कचौड़ी ही बना लो।
चौका बर्तन के हमारे सारे काम हो चुके थे। उसके बाद में आ गए इधर हम बगिया को गोबर पाथने के लिए, तो बुआ तो चली गई थी खेत पर, तो हमने कहा चलो गोबर को भी पाथ देते हैं, नहीं तो ये फिर पूरा दिन पड़ा रहेगा और फिर दूसरे दिन भी और भी गोबर इकट्ठा हो जाएगा, फिर एक साथ में ढेर सारा गोबर भी इकट्ठा हो जाता है तो काफ़ी टाइम भी गोबर को पाथने में लग जाता है। और इन दिनों में थोड़े से हम लोग कंडे जो है ना कि लंबे वाले बना रहे हैं, तो इनमें थोड़ा सा टाइम भी लग जाता है, और जो ये गोल वाले कंडे होते हैं वो जल्दी से ही बन जाते हैं। और जितनी जगह में हमको कंडे बनाने हैं उतनी जगह में हमने पन्नी को बिछा लिया है, सभी कंडे बनाकर हम पन्नी पर ही रखेंगे, जिससे है ना कि कीड़े ना लगें। वैसे अगर ज़मीन में कंडे रख दो तो बहुत जल्दी से ही कीड़े लग जाते हैं, और होली के बाद वैसे भी कीड़े बहुत जल्दी से ही कंडों में लग जाते हैं और सारे कंडे ख़राब कर डालते हैं, फिर वो कोई काम के कंडे नहीं रहते हैं। तो इसी वजह से पन्नी पर ही सारे कंडे हम बना बना कर रखेंगे, और बहुत दिनों से हम पन्नी पर ही कंडे बना बना कर रखते हैं ना कि कंडे ख़राब ना हो। और अभी हमारा बठिया भी पूरा नहीं बन पाया है, तो जितनी जल्दी हम कंडे बना लेंगे उतनी ही जल्दी हमारा बठिया भी बनकर तैयार हो जाएगा। और एक दीदी जी हमारी पूछ रही थी कि बठिया आप क्यों बनाती हो, तो बठिया हम बनाते हैं जो हम पूरी सीजन कंडे जलाते हैं, तो एक जगह पर ही कंडे इकट्ठा कर देते हैं और उसके बाद में उसके ऊपर गोबर लगाकर और अच्छे से उसको छा देते हैं, तो है ना कि बरसात के दिनों में भी कंडे हमारे सुरक्षित रहते हैं और सुरक्षित एक जगह पर लगे रहते हैं, और उसके बाद में एक जगह से हम उसको मुंह फोड़ लेते हैं और वहीं से कंडे सारे निकालते रहते हैं। तो गांव में सभी लोग इसी तरीके से बठिया को बना लेते हैं और ऐसे ही कंडे लगा लेते हैं अपने। तो वैसे तो अगर कमरा अमरा जैसे बना हो बरसात के दिनों में जहां पर पानी ना जाए तो उसमें भी रख सकते हैं, लेकिन हमारे यहाँ इतनी ज़्यादा सुविधा अभी नहीं है, तो इसी वजह से बगिया में ही बठिया को बना लेते हैं। सभी लोग ऐसे ही बना लेते हैं गाँव देहात में। और इधर करने लगे हैं चिकनी मिट्टी से पुताई, तो कच्चे घरों की लिपाई पुताई भी करना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है, तो बस पुताई करने में लग गए हैं, और किसी दिन जब फुर्सत मिलेगी तब हम गोबर से लिपाई कर देंगे। और उस दिन हमने जब लिपाई की थी तब चिकनी मिट्टी से पुताई नहीं कर पाई थी, तो अच्छे से लिपाई हमारी नहीं बनी थी, तो बहुत जल्दी से छूट भी गई है, तो हमने कहा चलो आज पहले पुताई कर देते हैं चिकनी मिट्टी से, उसके बाद में ही लिपाई करेंगे। और वैसे भी हमारे यहाँ पहले पुताई की जाती है लिपाई के ऊपर, उसके बाद में ही लिपाई की जाती है, ऐसे लिपाई के ऊपर कोई भी नहीं लिपाई करता है, तो उस दिन तो हमने लिपाई कर दी थी जल्दी की वजह से, और वैसे हम पुताई करके ही लिपाई करते हैं। कच्चे घर की साफ़ सफाई लिपाई पुताई से ही होती है, जब इतनी जल्दी से लिपाई पुताई नहीं कर पाते हैं तो बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी फिर उड़ने लगती है, और वही धूल मिट्टी उड़कर फिर बैठ जाती है, तो इसी वजह से बहुत ही जल्दी जल्दी से ही लिपाई पुताई कर देते हैं। और एक दीदी जी हमारी बोल रही थी कि आप पक्का मकान बनवाओ, तो दीदी जी इतना हमारा पक्का मकान बना है लेकिन यहाँ की जो ज़मीन है वो अभी कच्ची है, और ऊपर वाला चाहेगा तो और भी मकान बन जाएगा, लेकिन अभी थोड़ी सी दिक्कतें चल रही हैं, तो इसी वजह से मकान नहीं बन पा रहा है। जितना हमारा बना है उसी में हम लोग रह रहे हैं, हमारी देवरानी जी भी रह रही हैं और हम भी रह रहे हैं, तो इतने मकान में ही हम सभी लोग रह रहे हैं। और पीछे जो थोड़ा सा घर बना है वहाँ पर हमारे जो सास ससुर हैं वो लोग रह रहे हैं, और इधर हमारी पुताई भी हो चुकी है, बस थोड़े में ही पुताई बाकी रह गई है। तो इधर आप सभी को पास से दिखा रहे हैं कि इस तरीके से हम पुताई करते हैं, और ये इतनी ज़्यादा चिकनी मिट्टी नहीं है, क्योंकि हमारे तरफ है ना कि थोड़ी सी बालू ज़रूर होती है मिट्टी में, और जो हमारे मायके में मिट्टी होती है वो बहुत ही चिकनी मिट्टी होती है और एकदम से हरी हरी मिट्टी होती है, और ये वाली मिट्टी थोड़ी सी पीली पीली है, क्योंकि ये जो सूखी वाली मिट्टी है वही हमने भिगोई है, जिसको हमारे यहाँ पड़ोर बोलते हैं, तो पड़ोर को ही भिगो लेते हैं और उसी से हम पुताई करते हैं। इतने इन दिनों में है ना कि चिकनी वाली मिट्टी ताल में नहीं मिलती है, तो उसी से काम चलाते हैं, जो हम लोग पहले से ही सुखा कर मिट्टी को रख लेते हैं। थोड़ी सी जगह में लगी हुई है हमारी सरसों, तो उतनी जगह हमने छोड़ दी है, और कल शाम को बहुत तेज़ बारिश आ गई थी, तो इसी वजह से सारी सरसों को फिर नीचे लाना पड़ा, और इधर हमारी पुताई हो गई थी। इधर आप सभी को हम दिखाते हैं कि हमारे यहाँ जो आँख में काजल लगाया जाता है उसको हम लोग कैसे बनाते हैं। तो ये काजल बुआ ने बनाया है और इसको शाम को ही बनने के लिए रख दिया था, और एक कटोरी में सरसों का तेल और उसमें बाती बनाकर रखी थी, जो कि बाती बहुत ही अच्छे से बनाकर तैयार की जाती है,
उसमें ये जो फूल लगे होते हैं, बहुत सारे फूल और पत्तियां मिलाकर उसकी बाती बनाई जाती है, अच्छे से सुखा लिया जाता है। उसके बाद में ही वो बाती इसमें तेल में डुबाई जाती है, और सरसों का तेल भरकर रख दिया था और बाती को, और फिर रात भर जलने दिया और ऊपर से ये दिया औंधा दिया था, तो इसी में सारा काजल लग गया था। और अब इसको यहाँ पर दीदी हमारी सान रही थी, तो इसमें कुछ तो निबोरी के टूप मिलाए हैं और थोड़ा सा कम पड़ गया था, तो बुआ ने कहा कि सरसों का तेल गर्म करके इसमें मिला दो तो अच्छे से हमारा काजल बन जाएगा। तो काजल भी हमारा बहुत ही अच्छे से बनकर तैयार हुआ था। और ये काजल जो है ना कि आँख के लिए कोई भी दिक्कत नहीं करता है, जब भी आँख में खुजली उजली होने लगती है तो हमारे यहाँ सभी लोग यही काजल यूज करते हैं, तो लगा लेते हैं थोड़ा सा तो आँख में थोड़ी सी आराम मिल जाती है। और इधर उसके बाद में आप सभी से हम मिल रहे हैं शाम के टाइम, तो यहाँ पर हमारी बन रही है पकौड़ी और साथ में बनी हुई है चाय, तो सभी लोग पकौड़ी खाएंगे और चाय पियेंगे। चाय पकौड़ी बनकर हमारी तैयार हो गई हैं, तो सभी लोगों को दे देते हैं चाय और पकौड़ी। और इन दिनों में हमारे घर दूध नहीं हो रहा है, तो इसी वजह से चाय हमारी अच्छे से नहीं बन रही है। तो किसी दिन तो थोड़ा बहुत दूध पड़ जाता है और किसी दिन तो काली वाली चाय ही सभी लोग पीते हैं, लेकिन हमारे यहाँ फिर भी सभी लोग पी लेते हैं चाय, सुबह के टाइम पी लेते हैं, दूसरी बार जब शाम को बनती है तब नहीं पीते हैं बिना दूध की चाय। लेकिन आज थोड़ा बहुत था दूध तो हमने डाल दिया है, और वैसे जब भैंस हमारे यहाँ दूध देती है तो बहुत ज़्यादा दूध हो जाता है, तो बहुत ही अच्छे से चाय हमारे यहाँ बनती है। लेकिन अब बस जल्दी से ही दूध होने वाला है। और इधर आप सभी को दिखाते हैं कि कितनी देरी हो गई है, फिर भी बंदर बैठे हुए हैं छत पर, और ये बंदर बहुत ही तेज़ से चिल्ला रहे थे, तो इसी वजह से हमने थोड़ा सा क्लिप ले लिया है। और शाम को भी बंदर यहाँ पर आ जाते हैं, बहुत ही परेशान करते हैं, सभी को खाना आना भी नहीं बनाने देते हैं। और इधर चूल्हे पर रख दी है हमने सब्जी बनने के लिए, तो इतने टाइम लाइट कट हो गई थी, तो वही ये बल्ब तो वैसे चार्जिंग वाला लगा है, लेकिन कभी कभी ये दिक्कत करने लगता है, तो इतने टाइम भी आज दिक्कत करने लगा था, तो कभी तो ये जल रहा है कभी नहीं जल रहा है, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है जब भी आज थोड़ी सी देरी हो जाती है खाना बनाने में, तो आज भी थोड़ी सी देरी हो गई थी। और आज का ब्लॉग दोस्तों बस यहीं तक। आज का ब्लॉग हमारा कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। कल फिर मिलेंगे एक न्यू ब्लॉग के साथ में, तब तक के लिए आप सभी दोस्तों को नमस्ते।